हेलो दोस्तों, अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं 21st 22nd अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी किया करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इटली हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क। आपको बताना है इंडिया की कौन सी रियासत या यूनियन टेरिटरी में इंडिया ने अपनी पहली मेगा फूड पार्क को लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, केरला या फिर तमिलनाडु। दोस्तों, आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर है पार्ट बी, गुजरात। दोस्तों, याद रहे कि गुजरात की फनीदर में ये पार्क को लॉन्च किया गया 17th of April को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए, रवि कुमार दहिया हैज रिसेंटली वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स इवेंट। आपको बताना है इनमें से रवि कुमार दहिया ने इंडिया के लिए किस स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन हैं रसलिंग, वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप या फिर शूटिंग। दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना, ट्राई करें आंसर देने की। इसका सही आंसर है पार्ट ए, रेसलिंग। दोस्तों, याद रखें कि रेसलिंग की 57 kg कैटेगरी में रवि कुमार दहिया ने ये मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्लेस्ड विराट कोहली एज वर्ल्ड्स नंबर वन बैट्समैन इन द ICC मेन्स ODI रैंकिंग। आपको बताना है ICC मेन्स ODI रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन के तौर पर विराट कोहली को किसने रिप्लेस किया। ऑप्शंस हैं शकीबुल हसन, बाबर आजम, रोहित शर्मा या फिर ट्रेंट बोल्ट। दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर है पार्ट बी, बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स टू IAF। आपको बताना है IAF को इनमें से किसने पहला बैच लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का डिलीवर किया। ऑप्शन है होंडा, अशोका लेलैंड, बजाज ऑटो या फिर टाटा मोटर्स। दोस्तों, अपना अपना आंसर टाइप करें, कोशिश करें आंसर देने की। इसका सही आंसर है अशोका लेलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर बजरंग पुनिया हैज़ वन सिल्वर इन 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट UT। आपको बताना है बजरंग पुनिया ने हाल ही में सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। आपको बताना है बजरंग पुनिया का ताल्लुक किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ है। ऑप्शन हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर बिहार। दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर है हरियाणा। और दोस्तों, याद रखें कि बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल 65 kg कैटेगरी में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व। आपको बताना है वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 18th अप्रैल, 19th अप्रैल, 20th अप्रैल या फिर 21st of April। इसका सही आंसर है 19th अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्डी गुंजम वेंकटा सुब्बैया हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ए वेटरन राइटर इन विच लैंग्वेज। आपको बताएं हाल ही में एक मशहूर लेखक का इंतकाल हो गया जिनका नाम गुंजम वेंकटा सुब्बैया था। आपको बताना है वो किस जबान के राइटर थे। ऑप्शन हैं कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी या फिर गुजराती। दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। इसका सही आंसर है कन्नड़। दोस्तों, याद रखें कि गुंजम वेंकटा सुब्बैया की एज 107 ईयर्स की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड माई बॉडी इज माई ओन। आपको पता है हाल ही में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है माई बॉडी इज माई ओन। ऑप्शन हैं UNFPA, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर WHO। दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। इसका सही आंसर है पार्ट ए, UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2021 इमिलिया रोमागना F1 ग्रैंड प्रिक्स। आपको बताना है इमिलिया रोमागना
F1 ग्रैंड प्रिक्स इन में से किसने जीता? ऑप्शंस हैं मैक्स वर्स्टैपेन, राहुल आहूजा, सेबेस्टियन वेटल या फिर लेविस हैमिल्टन। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट ए, मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा बावे हु हैज़ डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है सुमित्रा बावे जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया उनका ताल्लुक इन में से किसके साथ था। ऑप्शन हैं आपके पास स्पोर्ट्स वुमेन, इकोनॉमिस्ट, सिंगर या फिर फिल्म मेकर। दोस्तों आंसर लिखें, इसका सही आंसर है फिल्म मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ वन हाउ मेनी मेडल्स इन द विमेन्स एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021। आपको बताना है इंडिया ने कितने मेडल जीते विमेन्स एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021 में। ऑप्शन हैं 2, 5, 7 या फिर 9। इसका सही आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व। आपको बताना है यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है 20 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सर्विस आर्म CSE tied up with which company to set up solar powered microgrids and water pumps across rural areas in the country? Options: Google, Tata Power, Reliance या फिर Microsoft। दोस्तों आंसर लिखें, इसका सही आंसर है Tata Power। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स गेस्ट के फेमसली नोन एज चेक हैज़ पास्ट अवे एट 81। ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ विच कंपनी। आपको बताना है चार्ल्स गेस्ट के इनमें से किस कंपनी के को फाउंडर रहे हैं। ऑप्शंस: गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट या फिर फेसबुक। दोस्तों आंसर लिखें अपना अपना, इसका सही आंसर है एडोब। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।